Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back in another new video. So today I will discuss about anatomy of frog. In anatomy of frog, we basically discuss about digestive system of frog. We discussed in our previous video that is morphology of frog. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग. मॉर्फोलॉजी क्या होता है मैंने आपको बताया था, एनाटॉमी क्या होता है मैंने आपको बताया था, है ना. सो इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की स्टडी करेंगे, इसीलिए हम इसको एनाटॉमी बोलते हैं. तो बॉडी के अंदर कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, सारी चीज़ें हम आपको इन डिटेल्स में बताएंगे. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट वी रीड फॉर रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आफ्टर दैट एलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग विद सिंपल एंड इजी मैनर. सो लेट स्टार्ट. सो एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी का मतलब आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कॉल्ड एनाटॉमी. क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी द बॉडी कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं. वो बॉडी किसी की भी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, प्लांट में भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, एनिमल में भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं. ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है. तो आगे देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है. द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से. सो बॉडी कैविटी, जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी होती है, यानी बॉडी के अंदर जो गुहा होती है, मतलब बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है, कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, गुहा बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है. स्पेस जो मतलब बॉडी के अंदर जो जगह होगी उसमें, एकोमोडेटेड का मतलब होता है रखना या पाया जाना, ठीक है, उसमें रहते हैं या निवास करते हैं, क्या करते हैं, एक तरह का निवास स्थान होता है ऑर्गन्स का, ठीक है, ठीक है. जो फ्रॉग कैविटी, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, है ना, फ्रॉग में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि, ठीक है, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा सर्कुलेशन में यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, और जो नर्वस सिस्टम होगा वो न्यूरल एक्टिविटी में हेल्प करेगा, या बॉडी जो नर्वस सिस्टम होता है इसको बोल सकते हैं मास्टर ऑफ द बॉडी, है ना. ये जो बॉडी का मास्टर होता है, यानी सारी बॉडी की एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है. एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, यानी जो वेस्ट मटेरियल होगा उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है. जो इसमें होंगी किडनी होंगी, है ना, जो हेल्प करेंगी एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने में, यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही होता है जो सभी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव मतलब री का मतलब बार बार, प्रोडक्टिव आपको मैं सही से बताता हूँ, जो रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव री का मतलब होता है बार बार, पुनः, ठीक है, यानी बार बार. और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कोई चीज़ का बनना, है ना, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कोई चीज़ का बनना, प्रोडक्शन होना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ बार बार बन रही है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक सभी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारी संतान इस अर्थ में रहे, है ना, वो अपनी संतान को जन्म देता है. तो उसी तरीके ये अपने रिप्रोडक्शन में क्या होता है, संतान पैदा होती है, यानी बेबी पैदा होते हैं, यानी इन्फेंट पैदा होते हैं, तो वो आगे की उनकी जनरेशन चलती रहती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ गए आप. वेल डेवलप
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी जो डेवलप होंगे उनका अच्छे से स्ट्रक्चर डेवलप होगा और उनके जो फंक्शन होंगे वो अच्छे से फंक्शन करेंगे, यानी उनका स्ट्रक्चर डेवलप होगा और अच्छे से वो फंक्शन करेंगे। तो सिंपल से वर्ड में क्या था, बॉडी के फ्रॉग की बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटरी सिस्टम हो गया, जिनके वेल डेवलप स्ट्रक्चर होते हैं उनके फंक्शन भी अच्छे से होते हैं। ये फिगर दिखाया गया 7.20 पे, आपको फिगर मैं दिखाऊंगा आगे चल के, फिगर बताऊंगा ठीक है। आगे तक देखें, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बहुत बार बताया, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, यानी खाने वाली नाल ठीक है, आहार नाल यानी जिसमें क्या होगा, खाना जिसे अंदर जाएगा बॉडी के ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड को पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं हम लोग, पाचक ग्रंथियाँ ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं इसको ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं इनको ठीक है। तो क्या है इसमें, द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। तो इसका मतलब है कि जो फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है। छोटी क्यों होती है, इसमें यह बता दिया गया कि वो कार्निवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है तो एलिमेंट्री कैनाल उसकी छोटी होती है। तो क्यों होती है भाई कार्निवोर, तो सबको पता है कि फ्रॉग कार्निवोर्स होता है, इंसेक्ट को खाता है ना। तो इसमें इसका रीज़न ये है कि एक तो फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल छोटी है तो उसका रीज़न है कि वो कार्निवोर्स है, और जो जब इंसेक्ट खाएगा तो वो क्या है, मांस है। मांस को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मांस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट, क्या बोलते हैं, मीट। मीट का मतलब होता है मांस ठीक है। जो मांस होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजियर डाइजेस्ट देन प्लांट, देन प्लांट, देन प्लांट मटेरियल है ना। वो जो मीट होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है फ्रॉग में, देन प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल जो खाएगा वो लेट डाइजेस्ट होगा, जैसे वो मीट खाता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसी वजह से उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है, यानी वो इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है। आगे देखते हैं, द माउथ ओपन इनटू वोकल कैविटी, जो माउथ होगा, माउथ के बाद क्या वोकल कैविटी आएगी जिसको मुख गुहा बोलते हैं। वोकल ये हमारे में होती है ना, वोकल कैविटी आ, ये वोकल कैविटी हुई ठीक है। डेट, वोकल कैविटी के बाद क्या होता है डेट, ये हमको फिगर दिखाया गया है वो हम आगे देखेंगे। डेट लीड टू एसोफेगस है ना, वक्कल कैविटी होगी उसके बाद क्या होगा, डेट लीड टू एसोफेगस थ्रू फेरिक्स, यानी वक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा, वक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स आएगी। वक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, एसोफेगस आएगा। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, एसोफेगस आएगा ठीक है। वक्कल कैविटी लीड टू एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स है ना, थ्रू का मतलब पहले फेरिंग्स आएगा उसके बाद एसोफेगस आएगा ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी थोड़ा घुमा देती ठीक है। एसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब डेट ओपन इनटू स्टमच, एसोफेगस जो होती है इनकी एसोफेगस होगी, शॉर्ट होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा यानी लंबी स्ट्रक्चर होगी जो कि स्टमच में ओपन होती है, यानी वो पेट में ओपन होती है। विच इज टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन, जो कि एसोफेगस के बाद क्या आएगा, स्टमच में ओपन होगी एसोफेगस, स्टमक के बाद क्या आएगा, वो आएगी इंटेस्टाइन है ना, वो कंटिन्यू बनी, जैसे हम लोग में भी सिस्टम में यही होता है ठीक है। स्टमक के बाद क्या आएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगी। इंटेस्टाइन के बाद क्या आ जाएगा, रेक्टम आएगा, रेक्टम, देन फाइनली ओपन आउटसाइड बाय ए क्लोएका। क्लोएका जो होता है ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉग में जो क्लोएका होता है ये सर्व ओपनिंग एज, सर्व ओपनिंग, ओपनिंग फॉर यूरिन, फॉर यूरिन, स्पर्म, स्पर्म एंड फीकल मेटल, फीकल मेटल। यानी जो क्लोएका होता है फ्रॉग में, मेल में, मेल फ्रॉग में जो क्लोएका होता है वो तीन चीज़ों की ओपनिंग को गाइड करता है, यानी तीन चीज़ें उसमें आके खुलेंगी। एक तो यूरिन वाला यानी यूरेटर आके खुलेंगे किडनी से ठीक है, यूरिन के लिए रास्ता हो गया वही, वो स्पर्म के लिए भी रास्ता होता है और फीकल मेटल के लिए रास्ता होता है, रेक्टम आके भी इसी में खुलता है ठीक है। कहाँ पे, कुलेका में, कुलेका तीन चीज़ों के लिए ओपनिंग को गाइड करता है ठीक है। और जो फीमेल में होता है उसमें यूरिन के लिए और इसमें ओवा के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और उसमें अलग अलग सेपरेट
सेपरेट होल होते हैं जो कि आके क्लोएका में खुलते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, तीनों के तीनों स्पर्म के लिए, यूरिन के लिए और फीकल मेटल के लिए एक ही में होते हैं जो कि आके क्लोएका में खुलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, लीवर सिक्रीट बाइल, जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। बाइल जूस जो होता है वो सिक्रीट करता है, कहाँ से, लीवर से सिक्रीट होता है। हम लोग में भी है कि बाइल जूस सिक्रीट होता है लीवर से होता है, है ना। बाइल सिक्रीट डेट लीवर सिक्रीट करता है, और वो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर जो होता है वो बाइल जूस स्टोर होता है कहाँ पे, गाल ब्लैडर पे स्टोर होता है। हम लोग में भी है कि गाल ब्लैडर पे वो बाइल स्टोर होगा, बट सिक्रीट कहाँ से होगा, सिक्रीट होगा वो लीवर से, ठीक है। याद ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो पैंक्रियाज होती है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, पैंक्रियाटिक जूस, है ना, जो प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं, यानी उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाएंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब हुआ ये एंजाइम क्या करेंगे, हेल्प इन डाइजेशन, क्या करेंगे, हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हुए वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, फूड इज कैप्चर बाई, फूड जो होता है वो कैसे मेढक लेता है, यानी फ्रॉग कैसे लेता है। फूड इज कैप्चर बाई द बाइलोब्ड टंग, यानी फ्रॉग की जो टंग होती है ना वो बाइलोब्ड होती है, बाई फर्केट होती है। मान लो ये टंग हुई तो ये आगे चल के दो फर्केट हो जाती है, दो ऐसे फर्केट हो जाती है टंग, ठीक है। और हम लोग की टंग जो होती है वो पोस्टियरली मतलब पीछे की तरफ जॉइंट होती है, बट फ्रॉग में क्या है, जो टंग है वो आगे की तरफ जॉइंट होगी। आगे की तरफ जॉइंट कहाँ से होगी, हायर्ड अपरेटस से, कहाँ से, हायर्ड अपरेटस से, हायर्ड अपरेटस से, हायर्ड अपरेटस से आगे की तरफ जॉइंट होती है। जब ये फूड कैप्चर करता है तो अपने आगे की तरफ की टंग तो इसकी जॉइंट नहीं, तो ये पीछे की टंग को ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंकेगा फूड को, ऐसे करके अंदर ले लेता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा ऐसे करके, ऐसे फ्रॉग टंग को अंदर करता है और फूड जो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। यानी इसकी जो टंग जुड़ी होती है किससे, हायर्ड अपरेटस से जुड़ी होती है, बाइलोब टंग होती है, ठीक है। फूड इज कैप्चर बाय बाइलोब टंग। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाई, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाई द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह HCl जो होता है ना, इसका पीएच होता है 1.8, इसका जो एसिडिक पीएच होगा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। इसका जो पीएच होगा एसिडिक होगा, इसके एक्शन से फूड डाइजेस्ट होता है ना। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होंगे सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमच, यानी जो डाइजेशन होता है वो टेक प्लेस बाई एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट किए जाएंगे, गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट होंगे वो वॉल ऑफ स्टोमच से सिक्रेट होंगे। इसमें याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट होते हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, फ्रॉग में, वॉल ऑफ स्टोमच यानी स्टमक की दीवार से, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्सली डाइजेस्ट फूड कॉल्ड काइम, जो फूड पार्सली डाइजेस्ट होता है, पार्सली का मतलब पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं है ना, पार्सली का मतलब क्या हुआ, हाफ मतलब आधे तरीके से डाइजेस्ट होना, है ना, आधे तरीके से डाइजेशन, डाइजेस्ट आधे तरीके से डाइजेस्ट, यानी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं है, ठीक है। पार्सली डाइजेस्ट फूड कॉल काइम, जिसको पार्सली डाइजेस्ट फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, है ना। ये कहाँ पे होगा, काइम पाया जाएगा स्टमच में पाया जाएगा, काइम कहाँ पाया जाएगा, स्टमच में पाया जाएगा, ठीक है, यानी पार्सली डाइजेस्ट फूड, ठीक है। जो पार्सली डाइजेस्ट फूड होता है पास्ट होता है, यानी पार्सली डाइजेस्ट फूड कॉल्ड काइम इज पास्ट फ्रॉम स्टोमच टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये पार्सली डाइजेस्ट फूड जो होगा, पार्सली डाइजेस्ट फूड स्टोमच में होगा, जिसको हम काइम बोलेंगे, वो पास होता है स्टोमच टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में वो क्या होता है, पास किया जाता है, यानी आगे भेजा जाता है। द ड्यूडेनम, यानी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या है, ड्यूडेनम है, याद रखेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है। द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, जो ड्यूडेनम होता है वो गॉल ब्लैडर से क्या रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, बाइल, ठीक है। जो ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास, जो ड्यूडेनम हुआ वो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिसीव करता है और पैंक्रियाज से क्या करता है, वो पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। उसमें एक
कॉमन बाइल डक्ट होगी जो कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस को लाएगी और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को लाएगी, वो ड्यूडेनम रिसीव करता है किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा वो रिसीव करता है। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल जो होता है वो इमल्सीफाइड फैट को इमल्सीफाइड करता है। बाइल क्या होता है, बाइल इमल्सीफाइड फैट, बाइल जो होगा इमल्सीफाइड फैट को इमल्सीफाइड करेगा एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो हम याद रखेंगे फैट का काम क्या है, बाइल का काम क्या है, बाइल करेगा इमल्सीफाइड ऑफ फैट यानी फैट को इमल्सीफाइड करेगा, और जो ये होगा और ये जो बाइल पैंक्रियाटिक जूस है ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, यानी फाइनल जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा, फाइनल डाइजेशन जो होगा इंटेस्टाइन में होगा। याद रखेंगे डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाई न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कार बिलाई एंड माइक्रोबिलाई, है ना। जो फाइनल डाइजेशन जो होता है इंटेस्टाइन में होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है भाई न्यूमरस फिंगर लाइक, बहुत मतलब बहुत अधिक मात्रा में, न्यूमरस का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, फिंगर लाइक यानी उंगलियों के तरीके जो होंगे उनके स्ट्रक्चर होंगे जो कि इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं, बिलाई और माइक्रोबिलाई बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो बिलाई और माइक्रोबिलाई का काम क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को ये लोग इंक्रीज करते हैं। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा, चीज़ें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो वो अच्छे से हो जाए, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, ठीक है। आगे देखते हैं, द अनडाइजेस्ट सॉलिड यानी जो हमारा फीकल मेटल के रूप में बॉडी से बाहर आता है, हमारी बॉडी में हो या फ्रॉग की बॉडी में हो, इसमें भी जो फीकल मेटल हो बाहर आएगा तो वो ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट फूड मटेरियल सॉलिड वेस्ट आ जाएगा, वो अनडाइजेस्ट होता है, जो कि पचा हुआ नहीं होता है, वो पचता नहीं है, ठीक है। द अनडाइजेस्ट सॉलिड यानी जो बिना डाइजेस्ट हुआ सॉलिड है वो का वेस्ट मूव इनटू रेक्टम, यानी अनडाइजेस्ट जो सॉलिड है मटेरियल वो मूव कर दिया जाता है रेक्टम में, है ना, रेक्टम में मूव कर दिया जाता है यानी रेक्टम में भेज दिया जाता है एंड पास आउट थ्रू क्लोएका, और वो क्लोएका से पास आउट हो जाता है यानी क्लोएका से बाहर आ जाता है, ठीक है, क्लोएका से बाहर आ जाता है, यानी अनडाइजेस्ट जो सॉलिड होगा वो रेक्टम में भेज दिया जाएगा, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन फाइनल होगा, जो चीज़ डाइजेस्ट होगी तो वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, एब्जॉर्प्शन के लिए बिलाई और माइक्रोबिलाई होती हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है यानी अनडाइजेस्ट सॉलिड है उसको रेक्टम में मूव कर दिया जाएगा यानी रेक्टम में भेज दिया जाएगा, और रेक्टम से वो कहाँ चला जाता है, क्लोएका में चला जाता है, क्लोएका से वो क्लोएका का पर्चर से होते हुए वो बाहर फीकल मेटल निकाल दिया जाता है। क्लोएका जो था तीन चीज़ की ओपनिंग को गाइड कर रहा था, यानी स्पर्म की ओपनिंग को लिए, है ना, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आएगी उसी से, ठीक है, और यूरिन की जाएगी यानी यूरेटर आके उसी पे खुलेंगे, और ये क्या था, फीकल मेटल भी आके उसी पे खुलेंगे यानी रेक्टम आके खुलेंगे क्लोएका पे, ठीक है, रेक्टम आके कहाँ पे खुलेंगे, क्लोएका पे खुलेंगे, और क्लोएका से चीज़ें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आपको फिगर दिखाते हैं, ये फिगर में क्या दिखाया गया हमको, ये फ्रॉग का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसके ऑर्गन से दिखाया गया, उनकी पोजिशन को दिखाया गया है। ये जो फ्रॉग होता है, ठीक है, इसमें एक मस्कुलर हार्ट होगा, हार्ट होगा फ्रॉग में जो होगा मस्कुलर हार्ट होगा, हार्ट कितने चैम्बर होगा, थ्री चैम्बर हार्ट होता है, क्या होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें कि टू एट्रिया होते हैं और वन वेंट्रिकल होता है, ये फ्रॉग में थ्री चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, और इसमें टू एट्रिया और वन वेंट्रिकल होते हैं, और इसमें क्या दिखाया गया हमको, एसोफेगस दिखाई गई है, ठीक है, एसोफेगस दिखाई गई है। एसोफेगस के पहले क्या होता है, फायरिंग्स होती है, है ना, वक्कल कैविटी के बाद क्या होगी, फायरिंग्स होगी, फायरिंग्स के बाद एसोफेगस होगा, ठीक है, एसोफेगस के बाद एसोफेगस जो ओपन होगी स्टमच में ओपन होगी, स्टमच के बाद इंटेस्टाइन आ जाए, इंटेस्टाइन से आएगा, फिर आएगा क्या आएगा, रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद क्लोएका से सारा अनडाइजेस्ट सॉलिड बाहर हो जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ये एसोफेगस दिखाया गया जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा फ्रॉग में लीवर है, ठीक है, और ये स्टमच है, स्टमच में क्या होता है, काइम कहाँ पाया जाता है, काइम जो होता है वो स्टमच में ही होता है, ठीक है, काइम जो होता है स्टमच में होता है। ये इंटेस्टाइन दिखाया गया है,
इंटेस्टाइन दिखाया गया, ये जो पार्ट है, ये जो स्टमच ओपन होता है यहाँ पे होगा ड्यूडेनम, है ना, यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम होगा, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन कहाँ पे जाके खुली है, रेक्टम में जाके खुली है, रेक्टम, ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन गई है, यहाँ रेक्टम में इंड हुई है। रेक्टम के बाद जो रेक्टम था ये कहाँ पे ओपन हो रहा था, क्लोएका में, ये जो है ये क्लोएका है, ठीक है, ये जो है क्लोएका है और ये इसका क्लोएकल अपर्चर है, ये जो है क्लोएकल अपर्चर है ना, ये जो हुआ क्लोएकल अपर्चर हुआ, रेक्टम आके क्लोएका में खुलेगा, क्लोएका में क्लोएका अपर्चर होगा, ठीक है। और ये तो हमने हार्ट देख लिया, ठीक है, हार्ट की कवरिंग होगी उसको पेरिकार्डियम बोलेंगे हम, आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताएंगे, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का काम क्या था, ये बाइल जूस को स्टोर कर रहा था, यानी स्टोरेज ऑफ बाइल जूस में हेल्प कर रहा था। ये जो लंग्स थे, लंग्स जो हैं ये पिंक कलर के लंग्स होते हैं, गुलाबी कलर के लंग्स हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये फैट बॉडी का काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करेंगे। अब वो एनर्जी कब यूज होगी, जब फ्रॉग हाइबरनेशन में जाएगा यानी विंटर स्लीप में जाएगा, तो वो एनर्जी को यानी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा। ड्यूरिंग मेटिंग, जब ये मेल और फीमेल, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग कॉपुलेट करेंगे यानी मेट करेंगे यानी सेक्स करेंगे, तब ये एनर्जी को यूज होगी, यानी उसमें एनर्जी लगती है, तब ये यूज करेगा, ठीक है। और कब यूज करेगा, ये मेटामॉर्फोसिस के टाइम, जब ये मेटामॉर्फोसिस जब होता है, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, तब ये एनर्जी यूज होती है, यानी स्टोर एनर्जी तभी काम में लाई जाती है, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ आपको मैं, ये लंग्स हो गया, फैट बॉडी हो गई, किडनी जो होगी, किडनी का फंक्शन क्या करेंगी, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये किडनी से क्या हुए, यूरेटर निकले हुए, यूरेटर भी आके यहाँ पे कहाँ पे खुले, क्लोएका पे आके खुले, ठीक है, क्लोएका पे आके खुले। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हुआ, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर हुआ, ठीक है, यहाँ ये हुआ क्लोएका हुआ, ये क्लोएका पे क्या कौन कौन सी चीज़ें आके खुली, यानी यूरेटर आके खुले, ठीक है, और रेक्टम आके खुला, यानी रेक्टम से फिकल मेटल आएगा, यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरेटर से यूरिन आएगी, ठीक है, और इसमें स्पर्म के लिए भी रास्ता होता है। तो तीन चीज़ें आके खुलती हैं क्लोएका में, ये कॉमन ओपनिंग होती है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनल ऑर्गन ऑफ लॉन्ग फ्रॉग के डाइजेस्टिव इंटरनल ऑर्गन का था, जो कि इसमें दिखाया गया है। फ्रॉग में जो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब उसमें सेपरेट दो ओपनिंग होगी, माउथ यानी जहाँ से खाना इंजेस्ट होगा यानी खाना खाएंगे हम लोग, और जो एनस जहाँ से हमारा खाना बाहर आएगा यानी फिकल मेटल बाहर आएगा, यानी हम लोग में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फ्रॉग में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सो फिलहाल फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उसमें देखेंगे रेस्पिरेशन किस किस मेथड से होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस अपकमिंग वीडियो। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, यू हैव अ नाइस डे, वॉच द वीडियो एंड कीप सपोर्ट।